फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्टार्ट स्टॉप बटन के बारे में। आजकल के टाइम में फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी लें, मिडिल सेगमेंट से ही अगर हम लोग बात करें, 5-6 लाख रुपए उससे ऊपर की किसी भी गाड़ी की बात करें, तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी के एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में हम लोगों को इस तरह का एक इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो पहले मैन्युअली चाबी को लगाकर इग्निशन स्विच हम लोगों को मिलता था, वो कहीं ना कहीं आजकल यहाँ पर बंद हो गया है। इस तरह की स्मार्ट की हम लोग को गाड़ी के साथ मिलने लग गई है, जिसमें कुछ नहीं करना होता। अगर चाबी गाड़ी के अंदर है और हमने बटन को प्रेस करा, तो गाड़ी का इग्निशन या गाड़ी का इंजन यहाँ पर ऑन हो जाता है, और इंजन को वापस से बंद करने के लिए भी हम लोगों को इस बटन को यहाँ पर प्रेस करना पड़ता है। जैसे कि ये जो गाड़ी है, डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन है, ZDI वर्जन है। अगर बिना क्लच को प्रेस करें मैं यहाँ पर, अगर इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ पहली बार में, तो जो स्टेयरिंग है गाड़ी का वो यहाँ पर पहली बार में अनलॉक हो जाता है। सेकेंड टाइम जब मैं उसको प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर इग्निशन ऑन हो जाता है गाड़ी का। अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो जब मैं क्लच को प्रेस करता हूँ और इस बटन को यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो गाड़ी का इंजन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अगर ये गाड़ी ऑटोमेटिक होती तो जिस तरीके से मैंने क्लच को यहाँ पर प्रेस करा, उस गाड़ी में मुझे ब्रेक को प्रेस करने की यहाँ पर जरूरत पड़ती। अगर बिना क्लच या ब्रेक को प्रेस करे मैं इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो गाड़ी जो है वो चालू नहीं होती, सिर्फ इग्निशन का जो पावर है वो यहाँ पर ऑन हो जाता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता। अब फ्रेंड्स, ये तो काफी कॉमन सी चीज हो गई जो हम में से ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, एटलीस्ट उन लोगों को तो यहाँ पर पता ही है जो इस तरीके की गाड़ियां यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बटन को प्रेस करा और गाड़ी यहाँ पर बंद हो जाती है। पर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो हम लोगों को हमारे कमेंट्स में कई बार मिला, वो ये था कि अगर गाड़ी चल रही हो, यानी कि गाड़ी मोशन में हो, और अगर हम लोग इस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को यहाँ पर प्रेस करें, तो गाड़ी बंद होगी या नहीं होगी। जो मैन्युअली चाबी लगाने वाली गाड़ी आती है, उसमें तो अगर हम लोग चलती गाड़ी में चाबी को बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली गाड़ी बंद हो जाती है। कई लोगों की आदत होती है कि वो स्लोप्स पर या ढलान पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर तो भी लोगों की आदत होती है, वो कहीं ना कहीं इंजन को बंद कर देते हैं पेट्रोल बचाने के लिए या फ्यूल को बचाने के लिए, जो भी रीजन हो XYZ, बाकी रिकमेंडेड नहीं होता कि हम लोग इंजन को बंद करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह की गाड़ी में जिसमें यहाँ पर जो इग्निशन स्विच है उसकी जगह हम लोगों को इंजन स्टार्ट स्टॉप का इस तरीके का एक बटन मिलता है, उसमें अगर मोशन में हम लोगों को गाड़ी को बंद करना हो और हम लोग स्टार्ट स्टॉप का बटन प्रेस करें, तो यहाँ पर क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने करा अभी इस गाड़ी को स्टार्ट। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी स्पीड 0 पर है। अब 0 पर जब इसकी स्पीड है, यहाँ पर अगर मैंने इस गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप का बटन अभी प्रेस करा, तो गाड़ी यहाँ पर बंद हो जाती है सिर्फ एक बार बटन को प्रेस करने। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जब गाड़ी मोशन में होगी तो ये बटन किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो चलते हैं, गाड़ी को लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में, यहाँ पर थोड़ा सा मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग आ गए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पीड पर, 20-30 की स्पीड पर हम लोग यहाँ पर इस गाड़ी को अभी ड्राइव कर रहे हैं, और अब हम लोग इस बटन को यहाँ पर प्रेस करते हैं। गाड़ी यहाँ पर बंद नहीं हुई। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अगर मैंने चलती हुई गाड़ी में, यानी कि जब गाड़ी मोशन में है, उस केस में स्टार्ट स्टॉप को बटन को प्रेस करा, तो गाड़ी यहाँ पर बंद नहीं होती है। अब वहीं यहाँ पर हम लोग वापस हॉल्ट पर आ गए, स्पीड यहाँ पर 0 हो गई, बटन को वापस से प्रेस करा, गाड़ी बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको एक तरीके का सिक्योरिटी मेजर यहाँ पर बोल सकते हैं कि चलती गाड़ी में जब स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो गाड़ी बंद नहीं होती है। ये रिकमेंडेड भी नहीं होता कि चलती गाड़ी में, यानी कि जब व्हील्स मोशन में है और गाड़ी मोशन में है, उस केस में हम लोग इंजन को यहाँ पर बंद करें, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न इंजन या मॉडर्न गाड़ियां आ गई, इसमें हम लोग बात करें तो कई सारी चीजें होती है, जैसे कि पावर स्टेयरिंग हो गया, जो गाड़ी के ब्रेक्स हैं, ये कहीं ना कहीं बूस्टर ब्रेक्स मिलते हैं इसके अंदर, वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोलिकली असिस्टेड होते हैं यहाँ पर। तो ये जितनी भी चीजें होती है, ये कॉमन हमारे इंजन के साथ में चलती है। जो इंजन के साइड में आप लोगों ने नोटिस करा होगा, आप लोगों को मैं शो करता हूं अभी, इंजन के साइड में आप लोगों ने देखा होगा पुलिस लगी होती है, और उन पुलिस पर एक सरपेंटाइन बेल्ट यहां पर कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है जब इंजन चलता है, कई सारी पुलिस रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुलिस रहती है डिफरेंट, इसके अंदर कई सारी चीजों की यहाँ पर पुलिस रहती है। एक पुली होती है जिन गाड़ियों में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, उसमें जो हाइड्रोलिक फ्लूइड का पंप रहता है उसकी पुली रहती है, इंजन का जो वाटर कूलिंग का पंप रहता है उसकी पुली रहती है, AC का जो कॉम्प्रेशर है उसकी पुली रहती है, जो गाड़ी का अल्टरनेटर या जनरेटर होता है उसकी पुली रहती है। तो ये जितनी भी पुलिस हैं, इसको एक कॉमन बेल्ट यहाँ पर ड्राइव करता है, जो कि इंजन के साथ में यहाँ पर मूव करता है। हम लोग चलते हैं अभी गाड़ी के बाहर और देखते हैं, हम लोगों ने इसका इग्निशन यहाँ पर ऑन रखा है, आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस यहाँ पर वर्क करती है। हम लोग चलते हैं बाहर, फ्रेंड्स
अच्छा साइड में आप लोग देख रहे हैं एक बेल्ट नीचे यहाँ पर मूव हो रहा है, जिससे कुछ पुलिस यहाँ पर चल रही है। जैसे कि पीछे जो सबसे पीछे यहाँ पर दिख रहा है ये अल्टरनेटर है, नीचे की तरफ जो आगे लगा है वो एसी का कंप्रेसर है, ऊपर वाटर पंप है। तो ये सारी जो पुलिस है ये इस इंजन के साथ में यहाँ पर चल रही है। अभी जितनी भी हमारी यहाँ पर पुलिस है ये सारी पुलिस उसी टाइम तक ऑन रहेगी, स्पिन करेगी जब तक हमारा इंजन यहाँ पर ऑन रहेगा। तो फ्रेंड्स इससे होता ये है कि जब चलती गाड़ी में हम लोग हमारे इंजन को यहाँ पर बंद कर देते हैं तो सारी पुलिस यहाँ पर रुक जाती है। यानी कि अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और पावर स्टीयरिंग की और ब्रेक की पुली यहाँ पर रुक गई तो उसके रिजल्ट से फ्रेंड्स होगा ये कि स्टीयरिंग जो है वो सडनली काफी ज्यादा हार्ड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग का मैकेनिज्म है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। और ऐसे ही हमारा जो ब्रेक का पैडल है वो भी काफी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी पुली जो इंजन के साथ टर्न हो रही थी इंजन के शट डाउन होने के बाद यहाँ पर टर्न होना बंद हो गई है। तो फ्रेंड्स इसलिए एज अ सिक्योरिटी मेजर गाड़ी को यहाँ पर जब भी वो मोशन में हो बंद नहीं करना चाहिए। बट तभी भी मैं आपको एक चीज आज यहाँ पर बता देता हूँ कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और गाड़ी को यहाँ पर मोशन में हम लोगों को बंद करना पड़े, मैं वापस से बोलूंगा कि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता कि हम लोग चलती गाड़ी को यहाँ पर जब वो मोशन में हो बंद करें। तो उस केस में गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप बटन जिस गाड़ी में उसको बंद करने के लिए यहाँ पर दो तरीके होते हैं, ये मॉडल वाइज डिफरेंट करते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। जैसे ये जो पर्टिकुलर गाड़ी हम यहाँ पर डिजायर ड्राइव कर रहे हैं इसको अभी ये मोशन में है और बंद करने के लिए ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है इसको अगर मैं यहाँ प्रेस कर होल्ड कर रखूंगा तो फ्रेंड्स से गाड़ी यहां पर बंद हो जाएगी ऑलमोस्ट 3 या 4 सेकंड के बाद। अब फ्रेंड्स इसका रिजल्ट ये हुआ अभी हम लोग तो बिल्कुल खाली रोड पर हैं आगे, बट ये जो स्टीयरिंग है ये यहां पर काफी ज्यादा हार्ड हो गया है इसको टर्न करना। तो अब इस केस में अगर सामने कोई आ जाता है एकदम और मेरे को गाड़ी को साइड में मैन्यूवर करना है या टर्न करना है तो काफी ज्यादा मुश्किल वो हो जाता है। मैं इस चीज के लिए ऑलरेडी यहां पर प्रिपेयर था क्योंकि मुझे पता है कि जब गाड़ी को बंद मैं करूंगा स्टीयरिंग हार्ड होगा। बट अगर सडनली आप लोग बंद करते हैं और आप लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेंजरस यहां पर हो सकता है। सिमिलर इंपैक्ट गाड़ी के ब्रेक पेडल पर भी यहां पर आया था, वो भी काफी ज्यादा हार्ड यहां पर हो गया था, तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है। दूसरा तरीका जिससे हम यहां पर स्टार्ट स्टॉप इक्विप्ड गाड़ी को जब वो मोशन में हो यहां पर बंद कर सकते हैं वो ये होता है कि जैसे ये गाड़ी यहां पर चल रही है अभी हमने बटन को काफी देर तक होल्ड करके रखा था, अब ये मोशन में है, 3 बार मैंने बटन को प्रेस करा तो गाड़ी यहां पर बंद हो जाती है। 1 बार प्रेस करने पर बंद नहीं होगी, बाकी 3 बार प्रेस करने पर गाड़ी यहां पर बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी भी हम लोग मोशन में हैं यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम स्टार्ट स्टॉप बटन इक्विप्ड गाड़ी को यहां पर जब वो मोशन में हो बंद कर सकते हैं। करते हैं इस गाड़ी को यहां पर वापस से स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने आपको बताया कि ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है इसमें ऐसा सिक्योरिटी फीचर क्यों दिया रहता है या क्यों ऐसा होता है कि जब गाड़ी मोशन में हो और हम बटन को प्रेस करते हैं तो गाड़ी यहाँ पर बंद नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा सिक्योरिटी मेजर है देखते हुए आजकल के जितने भी ये नई नई चीजें आ गई है, जैसे कि पावर स्टीयरिंग हो गए या हमारे हाइड्रोलिक बूस्टर वाले ब्रेक्स हो गए, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो डैमेज होती है जो सडनली बंद हो सकती है जब गाड़ी का इंजन यहाँ पर बंद होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके के ऑटोमोबाइल अपडेट्स और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लाते रहते हैं कई सारे रिव्यूज के साथ। तो अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप लोगों को उस चीज़ का यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।